पेरेंट्स को एजुकेट करने के साथ साथ, पेरेंटिंग पर कंटेंट बनाने के साथ साथ, मैं ये तो बता रही हूँ कि आप बच्चा रो रहा है तो आप ये करें, उसको टेंट्रम है तो इस तरह हैंडल करें, उसके वो अगर गुस्सा शो कर रहा है तो आप उसको इस तरह कम्युनिकेट करें, बट देन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती मदर्स। सीख तो लेंगी कि अच्छा बच्चा रो रहा है, मैंने उसको गले लगाना है, उससे बात करनी, लेकिन जब वो मोमेंट में होती हैं, जब अगर शौहर ने कुछ कह दिया और ट्रिगर होगी तो बच्चे के सामने लड़ेंगी। प्रैक्टिस, हाँ उसको प्रैक्टिस नहीं, वो क्यों होता है? फिर मैंने उस पर पढ़ा तो मुझे पता चला कि हमारे पैटर्न्स होते हैं, और ये पैटर्न्स और ये साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई इस चीज़ पर ट्रिगर हो रहा है कि उसका बच्चा रो रहा है, उसका तो ब्रेन डेवलप्ड नहीं है, वो तो अभी सीख रहा है ज़िंदगी में अभी, तो मतलब अगर आपका 1 साल का बच्चा रो रहा है या 2 साल का बच्चा रो रहा है, मैं अपनी एग्जांपल शेयर करती हूँ, और मैं ट्रिगर हो रही हूँ उससे, तो मैं उसको कैसे रेगुलेट करना सिखाऊँ? हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? चुप, चुप हो जाओ, कमरे में जाओ, चुप हो जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, उस इमोशन को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, और वो क्या करता है बच्चा, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एग्जैजरेटेड रिएक्शन देता है, लेट जाएगा फ्लोर पे, चीखेगा, रोएगा, मारना शुरू कर देगा, क्योंकि जहाँ उसे स्पेस चाहिए उसको एक्सप्रेस करने की, वो स्पेस हमने उससे ले ली, उसको वो जगह नहीं मिली इमोशन एक्सप्रेस करने की। जिस तरह लड़के नहीं रोते, ये क्या किया हमने, एक इंसान है, उसको अल्लाह ने एक इमोशन दिया है, उससे वो राइट छीन लिया कि तुम ये इमोशन मैं तुम्हें नहीं देती। बचपन से बोला गया, मुझे भी कहा गया, और हर आई थिंक हर लड़के को कहा जाता है बचपन में, लड़के ही रोते हैं, मर्द बनो, स्ट्रांग बनो, तो अल्लाह ने ये क्यों दिया आपको इमोशन, ये महसूस करने का, अगर अल्लाह ने दिया गुस्सा, जैसे हमने लेबल किया ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, रोना नेगेटिव है, ये सारे इमोशंस अल्लाह ने दिए क्योंकि इनकी वैल्यू है। अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करे, मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, तब मैं अपने आप को डिफेंड करूँगी। अगर गुस्सा ही नहीं आता मुझे और मैं यूँ बैठी हूँ, तो ये क्या है, ये फ्रीज मोड है कि मुझे, मैंने उसको अपने दिमाग में, जैसे बचपन से जिन बच्चों के साथ अब्यूज़ होता है, वो डिसेंसिटाइजेशन करते हैं कि उसका इम्पैक्ट अपने दिमाग में कम कर देते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे फील नहीं हो रहा। देन अगेन अगर कोई मेरे बच्चे से बदतमीजी करेगा, तो मुझे वो भी, उसको भी प्रोटेक्ट करना नहीं आएगा। ये बात मैंने एक और पॉडकास्ट में भी की थी कि जैसा रिएक्शन आपका इस चीज़ पे होना चाहिए जब कोई आपके बच्चे को थप्पड़ मारे, वैसा ही रिएक्शन आपका इमोशनल अब्यूज़ पे होना चाहिए। हम किस तरह अलाउ करते हैं लोगों को आके कि वो हमारे बच्चों के बारे में कॉमेंट कर रहे होते हैं, इसका रंग ऐसा है, ये पतला है, इसकी हाइट छोटी है। मैंने पहले ही बताया कब, एक दो बार ना, और ये अब मैं और खुलकर बता देता हूँ कि मेरे, मतलब मेरा रंग आपने देखा है, अब ये रंग जो है ये इतना ज़्यादा एलीट कलर नहीं है पाकिस्तानी सोसाइटी में, ऐसे ही है ना? ये हमारा क्लासिक कलर है, इट इज क्लासिक ऑफ कोर्स। ये तो मुझे बाद में जाकर पता चला जब मैं बाहर मुल्क से बाहर निकला, जब यूरोप गया, वेस्टर्न कंट्रीज में गया, तो जो वहाँ के लोकल्स ने बोला कि यार ये तो अच्छा कलर है, इट्स ब्यूटीफुल, बोला है, बट आपने इंटरनलाइज करा ना कि लोगों ने बोला और आपने उसको, देखिए जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो जो I used to hate this color, to be honest. और वो फिर हम खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब रिश्तेदार आपको नाम दे रहे हैं ना, ठीक है, अब ये नॉर्मल नाम है, काला, कालू, और जैसी शक्ल है उसका, जैसा भी फिगर है, बॉडी जिस तरह की है, मोटा, पतला, सूखा, वगैरह वगैरह, बचपन से नाम दिए होते हैं, और कहते ही हैं कि हम प्यार से बुला रहे हैं, ये कहा जाता है। सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं इससे, कि अगर आपको बचपन में लेबल किया जा रहा है और आपके पेरेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो मुझे, मैं यही कहती हूँ कि वैसा ही रिएक्शन दो जैसा इमोशनल उस पर होना चाहिए। मेरा बेटा थोड़ा सा, मेरा बच्चा जो है बड़ा बेटा, 7 ईयर्स का है माशाल्लाह नाउ, वो थोड़ा सा, उसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्टेड है, वो लोगों से ऑन द फर्स्ट मीटअप नहीं रिएक्ट करना चाहता, नहीं कनेक्ट करना चाहता, ये उसकी चॉइस है, और मैं एज ए पेरेंट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करूँ, रादर देन आई अलाउ एवरी वन टू लेबल हिम कि ये तो शाय है, ये तो अंडर कॉन्फिडेंट है। किसी की, मैं कहती हूँ किसी की जरूरत तो हो उसको इस तरह कहने की, पहले लोग इस तरह करते थे कि ये शाय है, ये इंटर, अब मैं कहती हूँ नहीं, वो शाय नहीं, वो आपको जानता नहीं, आपसे पहली बार मिला है, ही विल टेक हिज टाइम, एंड एज अ मदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हमेशा ये दुआ मांगती हूँ, अच्छा काम है, और मुझे लगता है हम सबको एज पेरेंट्स ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ये समझ दे, और हमें ये समझ के साथ इतनी स्ट्रेंथ दे कि हम अपने बच्चों को उनकी पर्सनालिटीज के साथ एक्सेप्ट करें, रादर देन प्रोजेक्टिंग आवर पर्सनालिटीज ऑन देम। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके दिमाग में ये डेफिनेशन है कि कॉन्फिडेंट बच्चा जो है वो जाता है और पोएम सुनाता है और डांस करता है एंड व्हाटएवर, और आपका बच्चा वो नहीं करना चाहता है एंड यू आर फोर्सिंग देम टू डू इट, कि अंकल को ये करके दिखाओ, आंटी को पोएम सुनाओ, ये करो,
तो ये आपका मसला है और इससे आप, इट्स अ यू प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ मी प्रॉब्लम. बच्चे के लिए इस चीज़ को समझें कि ये आपका मसला है और आपको इसको हल करना चाहिए कि मेरी क्यों नीड है वैलिडेशन की फलाने अंकल से और ढंगानी फुप्पो से कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट है. पूरे स्कूल से, पूरे स्कूल के प्रिंसिपल तारीफ करेंगे कि इसने इतना अच्छा बोला है, इसने जो है वो नज़म इतनी अच्छी पढ़ी, गाना इतना अच्छा गाया है. नहीं यार, ऐसी बात नहीं है. हर किसी का, मैं वही कहती हूँ कि हर किसी को अल्लाह ताला ने अलग बनाया, सबकी अपनी अपनी काबिलियत है. और बच्चों को सिर्फ एक कतार में भगाना कि कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन ये है कि हर किसी के सामने बच्चा बोल सके. अगर एक इंसान इंट्रोवर्टेड है वो नहीं. मैंने ख़ुद ये चीज़ लर्न करी है कि मुझे शुरू में बहुत एंग्जाइटी होती थी कि बिकॉज़ मैं बहुत वोकल हूँ, मैं बहुत सोशल हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सोचती भी बहुत होंगी. हाँ, तो मुझे ये बॉदर करता था कि ये ऐसा. अच्छा, मेरे हस्बैंड इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट, ही इज़ एन इंट्रोवर्ट. तो वो मुझे कहते थे कि यू नो जस्ट लीव हिम अलोन. मैं उसको कहती थी कि कौन सा बच्चा होता है जो कहता है मुझे बर्थडे पार्टीज़ में नहीं जाना, कौन सा बच्चा होता है जो बर्थडे पार्टीज़ में जाके माँ के साथ बैठा रहता है, क्यों ये इंटरेक्ट नहीं करता, क्यों ये दोस्त नहीं बनाता. मैं इसको अपने दिमाग में बहुत बड़ा मसला बना के चलती थी. और जैसे जैसे फिर मैंने इस पर जब पढ़ना शुरू किया अपने आप, और मेरे हस्बैंड ऐसे थे रिलैक्स कि यू नो दिस इज़ नॉट इवन अ प्रॉब्लम, यू आर जस्ट मेकिंग इट इनटू अ प्रॉब्लम. वो मुझे बहुत समझाते थे कि यू नो इट्स ओके, इट्स हिज चॉइस. वो उसकी चॉइस है. मेरे लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था कि वो उसकी चॉइस है, उसका प्रॉब्लम नहीं है. फिर जब मैंने एजुकेट किया और मैंने सीखा कि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं दे एंजॉय देयर ओन कंपनी, दे वांट टू प्ले, उनको अकेले, उसको अकेले खेलना पसंद है, वो अपनी इमेजिनेशन यूज़ करता है, वो नहीं ज़्यादा दोस्त बनाता, उसके कम दोस्त होते हैं लेकिन क्वालिटी दोस्त होते हैं, वो उन्हीं से इंटरेक्ट करना चाहता है. जबकि माय बेटी हैज़ माय पर्सनालिटी कि वो बहुत सोशल है, उसको सब जगह जाना है, हर किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, हर किसी से मिलना है, वो फर्स्ट मीटअप पर सलाम कर लेगी, मिल लेगी. उसको दूसरा उस बॉडी, हम ये भी बॉडी स्पेस की भी रिस्पेक्ट नहीं करते. ज़बरदस्ती बच्चों को फोर्स करना, अंकल से हाथ मिलाओ, आंटी को सलाम करो, हक करो दादी को, ये हम क्या कर रहे हैं? बॉडी कंसेंट उनको नहीं सिखा रहे हैं, हम उसका उल्टा सिखा रहे हैं. उसकी बॉडी है ना, उसकी मर्जी है कि वो हाथ मिलाना चाह रहा है या नहीं, गले मिलना चाह रहा है या नहीं. नहीं कंफर्टेबल तो नहीं कंफर्टेबल. ये कितनी मुश्किल बात है समझने में कि एक बच्चा है 2 साल का 3 साल का 4 साल का, ज़बान से सलाम कर दे. ये मैंने पहले भी बात की एक पॉडकास्ट में कि ज़बान से सलाम कर दे. इट जो सोशल इंटरेक्शन इज़ नॉट फिज़िकल इंटरेक्शन. आप उसको अपने बच्चे को समझे ना. आप लोगों की वैलिडेशन के लिए अपने बच्चों का गवाड़ा कर रहे हैं कि ये हमारे सोसाइटी के हिसाब से बिहेव करें. ठीक है, मैंने जब ये फिज़िकल इंटरेक्शन वाली और सोशल इंटरेक्शन वाली बात की थी, उस पर एक कोई साहब है, उन्होंने आके कॉमेंट किया कि जब मैं जाता हूँ अपनी बहन के घर, मैं मामू हूँ उस बच्चे का, मैं इतनी दूर ट्रैवल करके जाता हूँ, आई थिंक वो किसी दूसरे कंट्री में रहती है, और फिर बच्चे आके मुझे हक भी ना करें. तो मैंने कहा ब्रो, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि आप जा रहे हैं. वो तो अपने मामों को पूरा साल नहीं देखते हैं. वो मैं कैसे किसी स्ट्रेंजर को हक करूँ? बच्चे के नज़रिए से देखें ना. तो हम थोपते हैं अपने गलत पैटर्न. मामू का नजरिया भी तो ठीक है एक तरह से देखा जाता है, मैं मामू बन जाता हूँ ना. लेकिन देन मामू की एक्सपेक्टेशन ये है कि यार मैं एक साल बाद मिल रहा हूँ अपने भांजे से, तो वो आए मुझे और मुझे हक करें. तो मे बी मामू कैन वर्क ऑन बॉन्डिंग फॉर अ वीक, मामू कैन टेक हिम आउट ऑन वॉक्स, मामू कैन यू नो कम्युनिकेट. बच्चा खुद आकर हक करे, आई थिंक दैट ये होना चाहिए. वो करेगा आफ्टर अ वीक. हाँ, वो आप छीन नहीं सकते. हमारा जो कल्चर है, गुड पॉइंट, हमारा जो कल्चर है वो छीनना सिखाता है. माएँ अपने बच्चों पे ऐसे क्लेंच करके बैठी हुई हैं, जो हम अभी मामाज बॉय डिस्कस कर रहे थे. हम इंटेंशनली बच्चों को डिपेंडेंट बनाते हैं अपने ऊपर कि लेटर ऑन शादी से पहले कितनी काउंसलिंग होती है लड़कों की. लड़कियों की अलग तरह से काउंसलिंग होती है, लड़कों की अलग तरह से होती है कि बीवी आ जाएगी तो तब तो तुम ये करोगे. बीवी लाइक पहले से ही टॉन्ट मार मार के कि जब बाद में वो लड़का बेचारा किसी सिचुएशन में है भी, तो उसके पास कोई ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ़ यू नो प्रायोरिटाइजिंग हिज ओन मदर.